तो भाई लोग कैसे हो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माइनक्राफ्ट का वन ब्लॉक पॉकेट एडिशन का मैप आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक पूरा देखना, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो सबसे पहला तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मैप को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैप डाउनलोड कर लेने के बाद आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है, फिर सर्च बार में जाके सर्च करना है माइनक्राफ्ट, तो आपको आपका डाउनलोड किया हुआ फाइल मिल जाएगा। फिर उसको कॉपी कर लेना है, फिर जाना है आपके इंटरनल स्टोरेज में, फिर जाना है एंड्रॉयड में, फिर जाना है डाटा में, फिर आपको अपने माइनक्राफ्ट के फाइल के अंदर जाके उसके अंदर के फाइल के अंदर जाके पेस्ट कर देना है सिंपली। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, तो मैं दोबारा पेस्ट नहीं कर सकता। तो पेस्ट कर लेने के बाद आपको अपना फाइल में, मतलब ये वाला फाइल को टैप करना है। जब भी आप टैप करोगे तो आपका माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगा। जब भी आपका माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगा तो क्या, ओपन होने के बाद आपका मैप आपके माइनक्राफ्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो देख सकते हो जितनी बार आप दबाओगे उतने मैप आपके माइनक्राफ्ट में ऐड होते जाएंगे। आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये जो हरे रंग का दिख रहे हो ये है वो वन ब्लॉक पॉकेट एडिशन का मैप। तो मैं आपको एक बार गेम प्ले दिखा देता हूँ। भाई लोग हम आ चुके हैं वर्ल्ड में, यहाँ पे क्रिएटिव मोड काम नहीं करता। तो आप जब भी ब्लॉक को टैप करोगे तो आपके सामने कुछ आएगा, आपको क्या करना है ब्लॉक को 2-3 बार टैप करना है, फिर आप सिंपली ब्लॉक को तोड़ पाएंगे। तो भाई लोग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कर देना सब्सक्राइब।